हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। एम्स ऋषिकेश में जो भी मल्टी पोस्ट जो मैडम पैरामेडिकल की हुई थी उन सबका आंसर की आ चुकी है, या फिर कहो पेपर क्वेश्चन आंसर की आ चुकी है आप लोगों की, ठीक है ना। तो ये देखो जितने ये सब ऊपर पर्सन के मतलब जो पोस्ट दी गई है सारी हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, ठीक है, फार्मा केमिस्ट, ये देखो लैब अटेंडेंट है ना, टेक्नीशियन फॉर थर्ड स्टेक, इन सब की आ चुकी है, ठीक है। देखने का ये आपके पास मेल आया होगा, अपनी ऑफिशियल मेल आईडी पे चेक करिए जिसमें मेल आया होगा जो आपने भरा होगा फॉर्म, तो उसमें ये दूसरा लिंक दे हुआ। इस दूसरे लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप नेक्स्ट पेज पहुंचेंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको दिख जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आना है और अपना रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड में होगा वो रोल नंबर, और आपको यहाँ पे जो अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपकी एग्जाम डेट वो भर देंगे। बैच अपने आप आपको दिख जाएगा, मतलब कौन से बैच में आपको होगा, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में, और कैप्चा कोड करके एंटर कर देगा। जैसे कैप्चा कोड करके एंटर कैप्चा कोड करके एंटर कर देंगे वैसे ये नेक्स्ट पेज आपको खुल के आ जाएगा। तो इसमें नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे दिखाया गया आपको जैसे क्यू व्यू ऊर्जा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड ओपन करके दिखा देंगे, क्वेश्चन पेपर है ना, ये देखो क्वेश्चन पेपर आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सब आपको क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। अब जैसे कि इसमें आपको क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्शन फाइल कैसे करना है ना, तो ऑब्जेक्शन फाइल कैसे करना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ऑफिशियल पेज पे जाके यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पेपर इस पर टाइप करेंगे तो क्वेश्चन पेपर पहुँच जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको किस सेक्शन में आपका इशू है ना, तो उस सेक्शन को आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने जनरल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वही होते हैं जैसे कि ये पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही आपको पढ़नी है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन है क्या है, रॉन्ग आंसर है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर, जैसे एक से अधिक सही आंसर है या फिर नो करेक्ट आंसर है, एक्स वाई जेड जो भी आपको इशू हो वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग आपको अपना रेस्पॉन्स लिखना है यहाँ पे टाइप करके, फिर ओपिनियन, फिर उस पर मतलब आपकी अपनी व्याख्या करनी है, मतलब ये इस वजह से गलत है। फिर उसके रिगार्डिंग जो भी आप बता रहे हो है ना, उसको अच्छे से लिख के या फिर कोई उसका जो सपोर्टिंग और ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जिससे वो प्रूफ हो सके कि आपकी बात सही है ना, या फिर जैसे कि आप लिखे कोई कैलकुलेशन है जैसे आप कैलकुलेट करके बताएं कि पूरा लिख दें और फिर उसकी स्क्रीनशॉट खींच के मतलब प्रिंट निकाल के यहाँ पे फाइल अपलोड कर दें। ये लिखा भी है 200 से लेके 2000 KB, मतलब 2 MB तक का, 200 KB से लेके 2 MB तक की आपकी फाइल अपलोड हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। अब कौन सी होगी पीडीएफ, ये आप जब अपलोड करें तो उसमें देख लेना, पीडीएफ हो तो पीडीएफ कर देना, जेपीजी हो जेपीजी कर देना, है ना। और फिर उसके रिगार्डिंग जैसे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिटेल, तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे कि मैंने इस बुक से ये बुक क्वेश्चन से रेफरेंस लिया है, और फिर जैसे कि या फिर ये क्वेश्चन है ये इसको इस तरीके से किया जाएगा, या इसके रिगार्डिंग मैंने इसे डॉक्यूमेंट बना के भेजा है भाई हैंड राइटिंग, तो ऐसे करके एड ऑब्जेक्शन पे कर देना, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। तो बस अपने जाओ फटाफट चेक करो और कैसे क्वेश्चन क्या क्या रिलेक्ट हुए हैं, क्या कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।